सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, अगस्त के अंदर होने वाली यूनिट टेस्ट की डेट में कुछ चेंजेस आए हैं, कोर्सेज क्या है, किन सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होने वाली है, ये सारी डिटेल सर्क्यूलर के माध्यम से हम यहाँ पर आपको बताएंगे, एज वेल एज सभी चीज़ें स्लाइड्स के थ्रू भी बताएंगे, क्योंकि जो डेटा यहाँ पर दिया गया है वो गुजराती में दिया गया है और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको किन सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम देनी है और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कौन से चैप्टर्स इस यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मगर आप सबसे ये गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए जाए आपको इसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर एक सर्कुलर देख पा रहे हैं, ये गांधीनगर नियामक से निकला हुआ सर्कुलर है। इस सर्कुलर के अंदर आपको ये बताया गया है कि पहले जो सर्कुलर आया था जिसमें 27, 28, 29 की एग्जाम डिक्लेयर की गई थी, उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था और बाद में या कैंसिल भी किया था। कुछ लोगों ने ये भी र्यूमर्स थे कि ये एग्ज़ाम जो है अगस्त की बुक्स ना होने की वजह से कैंसिल हो गई है, मगर ये एग्ज़ाम जो है वो अपने तयशुदा वक्त पर ली जाने है। तारीख जो थी इसकी वो थी 20 और 21, मगर अब इस सर्कुलर में जैसे कि बताया है कि 20 तारीख जो है वो मुहर्रम की छुट्टी होने की वजह से अब एग्ज़ाम जो है वो 19 और 21 यानी 19 अगस्त और 21 अगस्त को ये एग्ज़ाम ली जानी है। जी हाँ दोस्तों, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के स्टूडेंट्स के लिए ENV यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ और मैथ्स यानी मैथमेटिक्स गणित की एग्ज़ाम होने वाली है। साथ ही साथ 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम जो है वो है SS यानी सोशल स्टडी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 6, 7, 8 के लिए इन दो सब्जेक्ट्स की ये एग्ज़ाम होने वाली है। अब दोस्तों इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर आप कोर्स भी देख पा रहे हैं जो गुजराती में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के लिए ENV में 1-4, मैथ्स के अंदर 1-2 है और 6, 7, 8 के लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर कोर्सेज दिया गया है। इंटरेस्टिंग लगे उसी लिए और आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो इसलिए हम यहाँ पर ये स्लाइड्स के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे और आप इसके अंदर जो कोर्स है, डेट्स है, सब्जेक्ट्स है, वो सारी डिटेल आसानी के साथ समझ पाओ। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ये वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।